जिला मुख्यालय नाहन में सैन्य क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों ने केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया है। इन सड़क के बनने से करीब 3000 लोगों की आबादी लाभान्वित होगी। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दशकों से सड़क का निर्माण का कार्य लटका हुआ था और सैन्य क्षेत्र में सड़क निर्माण को अनुमति नहीं मिल रही। लोगों ने सड़क निर्माण में अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया। साथ ही लोगों ने इस प्रयास के लिए स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के कार्यों की भी सराहना की। बनोग टू धारकारी रोड अपने अंतिम चरण पे जा रहा है बनने के लिए। इसके लिए जो डॉक्टर राजीव बिंदल साहब ने प्रयास किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर राजीव बिंदल साहब ने इस रोड के लिए, जब से डॉक्टर राजीव बिंदल साहब यहाँ पर आए हैं तब से इसके प्रयास में लगे हैं ताकि यहाँ के जनता को ये सुविधा मिल सके। अपने घर से बाहर तक हॉस्पिटल जाना है, शहर में जाना है, इससे पहले यहाँ पर ये कोई सुविधा नहीं थी। हम लोगों को अपना पेशेंट भी लेके जाना पड़ता था तो चारपाई पे उठा के लेके जाया करते थे। आज बिंदल साहब की वजह से ये रोड जो 300 मीटर का आर्मी की वजह से रुका हुआ था, आर्मी की परमिशन की वजह से रुका हुआ था, तो वो आज एक इसको ट्रैक, मतलब इनिशियल ट्रैक इसमें हमने गुजार दिया है। इसके बाद ये इस ट्रैक में और इम्प्रूव होगा ताकि इसमें से बस और दूसरी छोटी गाड़ियां सभी गुजारी जा सके, ताकि ये रोड आने वाले समय के लिए हमारे गांव की भाग्य की रेखा होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी इसमें सफ़र करेगी और इसका फ़ायदा उठाएगी। और यहां पर हमारे गांव के लोगों और पंचायत के लोगों में बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशी है कि ये रोड आज हमें मिला है। यह सब डॉक्टर राजीव बिंदल साहब की वजह से ही मिला है। बनोग से जो कांसी वाले के बीच में 200 मीटर का जो रोड रुका हुआ था, आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और इसके लिए हम डॉक्टर राजीव बिंदल साहब का, पूरे ग्रामवासी मजोली जलापड़ी नाहन पंचायत पूरा इनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी समस्या को सुना है और लोगों के दुख दर्द को दूर किया है। धन्यवाद।